जम्पुई हिल्स में, जो आपका नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में आता है त्रिपुरा में, और हम लोग अभी उनाकटी डिस्ट्रिक्ट से जा रहे हैं। तो सुबह सुबह निकले हैं, मेरे साथ और तीन दोस्त भी हैं। तो जैसे कि आप लोग जम्पुई के बारे में जानते ही है, वो मतलब हेवन ऑफ त्रिपुरा कहलाता है, और जो त्रिपुरा का जो बॉर्डर है ना, और आपका मिजोरम का जो बॉर्डर है उसमें पड़ता है जम्पुई हिल। तो बहुत ही अच्छा जगह है, हम लोग जहाँ पे रहते हैं वहाँ से आपका 80 किलोमीटर है फ्रॉम हम लोग का घर से। तो रोड सुना है काफ़ी अच्छा है, और व्यू भी काफ़ी अच्छा है वहाँ पे। तो जाके देखेंगे आज कैसा है, आप लोग भी साथ रहिएगा, तो हम दिखाते रहेंगे कैसा है जगह। वो मैंने स्कार्फ लगा लिया है, मास्क लाया नहीं था, तो रास्ते में धूल बहुत होंगे, तो इसीलिए सोचा ये लगा लेता हूँ, अच्छा रहेगा। काफ़ी आप पीछे भी मेरा व्यू देख सकते हैं, बहुत अच्छा है। तो वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छा अच्छा व्यू देखने को मिलेगा, तब तक साथ रहिएगा आप लोग। तो फाइनली हम लोग आके पहुंच गए, अभी हम लोग कंचनपुर में हैं। लेकिन एक दिक्कत हो गया है कि हम लोग को रूम नहीं मिल पाया, क्योंकि हम लोग ने पहले से बुक नहीं करके रखा था। तो अगर आप लोग जम्पुई देखना चाहते हैं और आना चाहते हैं, तो एक काम कीजिएगा, पहले से आप टूरिज्म का जो वेबसाइट है ना त्रिपुरा का, उसमें जाके आप लोग ऑनलाइन बुक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपको रूम नहीं मिलेगा तो आके रहने के लिए दिक्कत हो सकता है। तो फिलहाल हम लोग को एक रूम तो मिल गया है यहाँ कंचनपुर में। रूम उतना अच्छा नहीं है, फिर भी व्यू अच्छा आता है बाहर से, और रूम भी एवरेज है। ये दोनों भी है साथ में, तो काफ़ी अच्छा है, देखने में उतना बुरा भी नहीं है रूम आपको, बाहर से व्यू भी अच्छा दिख रहा है। तो अगर आप लोग आना चाहे तो आप लोगों को रूम नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये जेटी गेस्ट हाउस है कंचनपुर में, और इस गेस्ट हाउस का जो नंबर है, फ़ोन नंबर यहाँ मैं आपको दे देता हूँ, तो आप लोग भी इसको नंबर में फ़ोन कर लीजिएगा आने से पहले, और अगर बुक करना है तो बुक कर सकते हैं। तो आज रात हम लोग फिलहाल यहीं पे स्टे करेंगे, और कल सुबह को निकलेंगे जम्पुई के लिए, और उम्मीद है कि वहाँ पे अच्छा व्यू देखने को भी मिलेगा। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के 10 बज रहे हैं। सोच रहा था हम लोग थोड़ा सुबह निकल जाएंगे, लेकिन रात को थोड़ा लेट हो गया था, इसलिए हम लोग उठ नहीं पाए जल्दी। तो अभी निकल रहे, अभी सुबह का 10 हो गया है, तो फुल्ली हम लोग 11:30 बजे तक जम्पुई हिल्स के आसपास चले जाएंगे, तो वहीं पे मिलते हैं अभी फिलहाल। देख सकते हैं आप लोग, रास्ता बहुत अच्छा नहीं है। कंचनपुर के बाद हम लोग 10 किलोमीटर राइड किए, उसके बाद रास्ता ऐसे ही है, हर जगह पे रोड अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो अगर आप प्रोफेशनल राइडर नहीं है, तो आपको बाइक से आने में थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। अब
आना चाहते तो गाड़ी रिजर्व करके आ सकते हो, गाड़ी बुक करके आ सकते हैं, लेकिन ऐसे राइड करके आने में बहुत रिस्की है रोड, क्योंकि रोड सब देख सकते हैं आप, पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो फिलहाल हम लोग एक ऐसे व्यू पॉइंट में आए हैं जो जहाँ से पूरा जम्पू दिखाई देता है और अच्छा भी लगता है बहुत, यहाँ से व्यू पॉइंट बहुत अच्छा है। धूप बहुत ज्यादा है ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हैं ना वही एक्चुअली जम्पुई हिल्स मतलब यही है। आज फॉग्स नहीं है इसलिए मतलब पूरा क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भी फॉग होता है ना तो दिखाई नहीं देता, लेकिन फॉग भी होने से भी अच्छा लगता है, बहुत सुंदर दिखता है। और जो ये आप पहाड़ देख रहे हैं इसके ठीक पीछे ही आपका मिजोरम है, तो ये आप त्रिपुरा और मिजोरम का बॉर्डर भी कह सकते हैं जम्पुई हिल को। अभी हम लोग बेथलिंग शिप पे हैं आए हैं, और ये पीछे आप मेरे पीछे व्यू देख पा रहे होंगे, आज फॉग बिल्कुल भी नहीं है इसलिए कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा धूप है इसलिए कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वहाँ पीछे क्या है नहीं है। शाम के टाइम पे और सुबह अच्छा व्यू आता है क्योंकि तब फॉग भी होता है बहुत सारा, लेकिन अभी आप जैसे कि देख पा रहे हैं कुछ नहीं दिखा दे रहा, सब सफ़ेद सफ़ेद आ रहा है। तो आज का हम लोगों का जो बेथलिंग शिप वाला ट्रिप था जम्पुई देखने के लिए वो यहीं पे ख़त्म होगा, लेकिन अभी हम वांगमुन जाएंगे। वांगमुन में आपका क्लीनेस्ट विलेज ऑफ त्रिपुरा है, तो वहाँ पे भी थोड़ा देखेंगे कैसा है। तो चलिए मिलते हैं वहाँ पे। फिलहाल अभी हम लोग बांगमुन में हैं, और जो वीडियो आपने अभी अभी देखा है ना वो बांगमुन का ही था, जिसको त्रिपुरा का क्लीनेस्ट विलेज बोला जाता है। और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, हमने बात भी किया है और वीडियो में जो अभी देखे ना आप, जो मैंने क्योंकि रोक नहीं सकता है, हम लोग जाना पड़ेगा क्योंकि टाइम का बहुत शॉर्टेज है, तो इसीलिए मैंने आते आते वीडियो बना लिया। और यहाँ पे साइन बोर्ड देख सकते हैं वेलकम टू बांगमुन, वही आपका त्रिपुरा का क्लीनेस्ट विलेज है।